हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। दिस इज़ मयंक एंड गाइस, ये है अपनी ब्रांड न्यू परचेस्ड रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही परचेस करी है। एंड बाकी सब छोड़ो यार, इस बाइक की लुक्स देखो यार, कितना सुंदर डिज़ाइन है इस बाइक का। एंड स्पेशली जो टैंक है ये देखो, कितना ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड टैंक है ये। एंड ये जो कलर है मैट ग्रीन, ये भाई कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसको। ये जो टेक्स्चर है ना मैट वाला, ये भाई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पूरी मीटियोर सीरीज़ में जो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट कलर लगा ना, वो भाई मेरे को ये ग्रीन वाला कलर लगा। हालांकि जो इसका ब्लैक कलर है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, बट यार ये जो ग्रीन है ना भाई, इसकी बात ही बिल्कुल अलग है। काफ़ी डिफरेंट कलर था ये, क्योंकि जब मैंने इसको चेकआउट किया शोरूम पर तो भाई काफ़ी डिफरेंट लगा, काफ़ी जो रिच लग रही है बाइक इसमें देखने में, इस कलर में। सो अब सोचो यार, अगर इतने ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड टैंक पे और इतने अच्छे पेंट पे भाई अगर स्क्रैच लग जाए या डेंट आ जाए, सो भाई वो जो डेंट है ना वो यहाँ पे नहीं, सीधा दिल पे लगेगा। सो इसी वजह से ना आज मैं जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, इसके अंदर कुछ एसेसरीज इंस्टॉल करवाने। सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरी क्रैश गार्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस टाइम। एंड उसके साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हो यार, बारिश का मौसम चल रहा है, सो जो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है ना वो आती है यार इस चीज़ की। ये देखो कितनी मिट्टी लग चुकी है यहाँ पे। सो एक सम गार्ड भी इंस्टॉल करवाऊंगा आज अपनी बाइक में। उसके अलावा और भी एसेसरीज चेकआउट करेंगे वहाँ पे शोरूम पे जो अवेलेबल होंगी, जैसे मेरे को एक बैक रेस्ट भी लगवाना है इसमें। गाइस, क्रैश गार्ड सिलेक्शन के टाइम पे मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि कौन सा वाला क्रैश गार्ड ऑप्ट करूँ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के भी काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं क्रैश गार्ड के। एंड काफ़ी आफ्टर मार्केट कंपनीज़ भी हैं जो रॉयल एनफील्ड के लिए भाई क्रैश गार्ड्स बना रही हैं, जैसे कि आपका ज़ाना हो गया जो काफ़ी पॉपुलर है। अब ज़ाना वाले में और रॉयल एनफील्ड वाले में जो डिफरेंसेस हैं मेजर, वो मेरे को यही लगे कि जो आपका रॉयल एनफील्ड वाला है ना, वो आपका दो जगह बोल्ट ऑन होता है आपके चेसिस पे, ताकि उसको जो वो है सपोर्ट है वो मिल सके। एंड वहीं जो आपका ज़ाना वाला है ना, वो भाई तीन जगह बोल्ट ऑन होता है, दो आपका आगे एंड एक पीछे, जहाँ पर आपका इंजन बोल्ट ऑन होता है वहाँ पर। उसके साथ जो ज़ाना वाले में है ना, वो उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यहाँ से बॉडी से बिल्कुल अटैच्ड है, जबकि जो रॉयल एनफील्ड वाला जो एयरफ्लाई वाला मटगा आपका क्रैश गार्ड है ना, वो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसा है। तो डिज़ाइन वाइज जो ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में मेरे प्रेफरेंस में, वो मेरे को रॉयल एनफील्ड वाला एयरफ्लाई वाला जो उसका गार्ड है वो ज़्यादा बेटर लगता है। ज़ाना वाले में ये है कि उसके अंदर ना आपको फ्रेम स्लाइडर्स दिए हुए हैं यहाँ पर आगे की तरफ। सो उसमें मेरे को जो मैंने काफ़ी ना वीडियोज़ देखी, काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े, तो उसमें मेरे को ना एक चीज़ फील हुई कि उसमें जो फ्रेम स्लाइडर्स है ना, एक बार को जब आपकी बाइक गिरेगी तो एक बार तो फ्रेम स्लाइडर्स संभाल लेंगे, बट अगर उसके बाद दोबारा से लोड पड़ता है ना बाइक पे, सो यार उस केस में ना आपका ये जो टैंक है ना भाई, ये इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली। और जो आपका रॉयल एनफील्ड वाला है उसमें ये है कि वो पूरा जो आपका रॉड है ना, वो पूरी लंबी रॉड है, तो कितना भी इम्पैक्ट हो स्टिल वो जो रॉड है ना वही आपकी नीचे पहले लगेगी। सो इस वजह से ना जो मेरे को विजुअली अपेरेंस में, और भाई जहाँ तक मेरे को लगता है क्रैश के टाइम पे जो होगा, वैसे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, बट स्टिल मेरे को ना जो रॉयल एनफील्ड वाला गार्ड है वो ज़्यादा बेटर लगा। साथ ही साथ कल को अगर डैमेज होता है गार्ड, तो उस केस में भाई ज़ाना वाले को रिपेयर कराना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वहीं जो आपका रॉयल एनफील्ड वाला गार्ड है, उसका जो बीच वाला जहाँ पे आर का लोगो होता है ना, वहाँ काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि वो वहाँ से टूट जाता है। अब काफ़ी लोग ये रीज़निंग भी देते हैं कि भाई वो बनाया इसलिए गया है ताकि वो ना इम्पैक्ट अपने ऊपर ले ले, एंड चेसी के ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना आए। तो हो सकता है वो भी भाई कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई हो, तो उस केस में ना वो जो रॉड है आप बस वो रिप्लेस कर सकते हो जो 1000 रुपये के आसपास पड़ती है। सो रॉयल एनफील्ड वाला जो गार्ड है ना, उसकी सर्विस में भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू ज़ाना वाले गार्ड के। तो मैं तो भाई जा रहा हूँ इसीलिए रॉयल एनफील्ड वाला जो क्रैश गार्ड है उसके साथ, मैट ब्लैक कलर में। अब बाकी तो भाई शोरूम पे चल के देखते हैं कि उसकी लुक कैसी आती है, वो तो जब लगेगा तभी पता चलेगा कि वो कैसा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी इस मैट ब्लैक एंड मैट ग्रीन कलर की बाइक पे। एंड यार काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि जो ज़ाना का क्रैश गार्ड है ना, उसकी क्वालिटी पहले काफ़ी अच्छी थी, अब उन्होंने काफ़ी हल्की कर दी है। तो एक बंदे का मैंने रिव्यू भी देखा था, तो उसका जो फ्रेम स्लाइडर वाला पार्ट है ना, वो पूरा बेंड हो गया था थोड़े से स्पीड पे क्रैश होने पे ही। और वैसे भी रॉयल एनफील्ड वाले बोलते हैं कि उन्होंने काफ़ी रिगरस टेस्टिंग करी है इन क्रैश गार्ड्स की अपने रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पे लगा के, सो काफ़ी R&D करी है इन्होंने। तो ये लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट क्रैश गार्ड्स हैं ये वाले जो हैं अपने रॉयल एनफील्ड बाइक्स के लिए। सो वो भी पता लग जाएगा कि भाई कितनी R&D करी है इन्होंने, कैसे क्रैश गार्ड बना रहे हैं। सो उसका भी आपको एक रिव्यू शेयर कर दूंगा मैं कुछ टाइम इसको क्रैश गार्ड को यूज़ करने के बाद, तो भाई आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आप लोग बताओ यार, आपको ना सबसे बेस्ट कलर इसमें कौन सा लगता है फ़िलहाल, क्योंकि मेरे को तो भाई सबसे जो बेस्ट कलर लगा ना वो ये फायरबॉल मैट ग्रीन कलर था। एंड ये अपना भाई
आ चुका है सर्विस सेंटर, जहाँ से हमारी सारी एसेसरीज इंस्टॉल होंगी। ये अपना क्रैश गार्ड है, इसकी एमआरपी आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लैक कलर का लिया है मैंने, एंड सम गाड़ी मैंने ब्लैक कलर का लिया है, इसकी एमआरपी आप देख सकते हो। बाकी ओवरऑल मेरे को डिस्काउंट वगैरह कितना मिला है वो आपको लास्ट में बता दूंगा। ऐसे कुछ बॉक्स में आपका सम गार्ड आता है एंड ये आपका क्रैश गार्ड। अब इसको इंस्टॉल कराते हैं अपनी बाइक के अंदर। This world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. सो गाइज़, अब आप एक बार फाइनल लुक चेकआउट कर लो बाइक की। ये इसका फ्रंट एंगल है एंड फ्रंट से यार बाइक ना काफ़ी बल्की बल्की हो गई है, काफ़ी ह्यूज लग रही है। और ये वाला जो क्रैश गार्ड है ना, ये सबसे ज़्यादा सूट करता है इस वाली बाइक पे, जो अपना एयरफ्लाई वाला गार्ड है। मैंने ब्लैक कलर का यूज़ किया है क्योंकि मेरी बाइक के साथ भाई वही सबसे बेस्ट लग रहा था। एंड ये इसका साइड व्यू है। अब आपको एक बार राइडर का पर्सपेक्टिव दिखाऊँ, तो जैसे अब आप बाइक राइड करोगे तो आपको कुछ ऐसी लुक आने वाली है। अब भाई प्रोटेक्शन भी इंक्रीज़ हो गई है बाइक की एंड साथ साथ भाई लुक्स भी काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। ये इसका बैक व्यू है। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये वाला जो क्रैश गार्ड है, काफ़ी लोग कंप्लेंट करते हैं बीच में से टूट जाता है, तो वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। सो ये है वो पार्ट बीच वाला, ये जहाँ पे आर का लोगो है, जो बीच में से ब्रेक हो जाता है जब भी आपकी बाइक क्रैश होती है। सो ये वाला जो पार्ट है ना, ये आप अलग से 1000 रुपये का आता है, आप रिप्लेस करा सकते हो इन केस ऑफ फॉल, अगर ये टूट जाता है तो। वैसे आपको दिखाऊँ सो काफ़ी स्टेबल है क्रैश गार्ड, बट थोड़ा बहुत हिल रहा है। तो ये इसलिए बनाया गया है शायद कि आपकी बाइक अभी कभी गिरे ना, तो आपकी जो चेसी है वो प्रोटेक्ट रहे और ये जो आपका बीच वाला पोर्शन है ये क्रैक हो जाए। बट अभी मेरी जिन भैया से जिनसे मैंने लगवाया है रॉयल इनफील्ड में जो थे, उन्होंने मेरे को बताया कि पहले काफ़ी हल्का था ये बीच वाला पार्ट, अब थोड़ा सा ना इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ किया गया है। एंड साथ साथ आपको नीचे वाला सम गार्ड दिखाऊँ तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये भी मैंने ब्लैक कलर का ही लगवाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे ना अब ये जो चिप स्टोन चिप्स वगैरह होते हैं एंड जो अपनी मिट्टी होती है उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी यहाँ पे। सो गाइज़, ये तो था अपना ओवरऑल जो एसेसरीज थी, और एक एसेसरी अभी रह गई मेरे को ना, ये बैक रेस्ट भी लगवाना था। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, जो लेटेस्ट अगर आप इसे स्टेलर मॉडल लेते हो तो उसके अंदर ना, या सुपरनोवा लेते हो, उसके अंदर जो बैक रेस्ट आ रहा है ना, पहले क्या था बैक रेस्ट बिल्कुल चिपका हुआ था, बट अब क्या है कंपनी से ही बैक रेस्ट जो आ रहा है वो थोड़ा सा ना ऐसे पीछे को होके आ रहा है। कई लोग बाद में एक्सटेंडर लगवाते थे, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लेटेस्ट बैक रेस्ट लोगे ना तो वो थोड़ा सा ऐसे पीछे को आपको मिलेगा, तो मैं भी उसी के लिए वेट कर रहा हूँ, जब आएगा आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं टोटल प्राइसिंग की, कि इन दोनों एसेसरीज़ का मेरे को पे कितना करना पड़ा है, तो वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइज़, 3950 का मेरे को पड़ा है अपना क्रैश गार्ड एंड 3300 रुपीज़ का जो है वो सम गार्ड था अपना, जो टोटल है वो 7250 टोटल अमाउंट जो बना है वो ये है। बट यहाँ जो मैंने पे किया है वो मैंने भाई पे किया है 6525, मतलब मेरे को ओवरऑल 10% का डिस्काउंट मिला है पूरे बिल पे। सो 6525 पे करना पड़ा है मेरे को। सो ये उसके आसपास ही है जो मेरे को जाना का क्रैश गार्ड पड़ता, बट इसकी जो लुक्स है ना वो ज़्यादा बेटर है मेरे ओपिनियन में। आप अपना ओपिनियन बताओ कि आपको कौन सा ज़्यादा क्रैश गार्ड ज़्यादा प्रीफर करते हो आप। सो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं गाइस फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले यार टेक केयर एंड सी या।